जिला गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस की ओर से ड्रोन का प्रयोग कर लेन ड्राइविंग का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया है। बता दें कि आज इस अभियान को सिरहोल बॉर्डर से खेड़ की दोला टोल प्लाजा तक चलाया गया ताकि सड़कों पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सके और सड़क पर भारी वाहन केवल बाईं तरफ की दो लाइन में ही चलाए जा सके, जिससे तेज गति से चलने वाले वाहन बिना किसी रुकावट के आसानी से चल सके। वहीं सड़क पर वाहनों की लेन चेंज करने से रोज हादसे होते हैं जिसमें काफी लोगों की जान चली जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। जैसा कि सब आप जानते हैं कि खिड़की टोल से लेकर सिरहोल बॉर्डर तक जो हैवी व्हीकल के लिए और कमर्शियल व्हीकल के लेन ड्राइविंग का ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इस संबंध में इस दिसंबर माह में ही लगभग 6000 चालान ऐसे व्हीकल्स के किए जा चुके हैं और अब इसका सुपरविजन हम ड्रोन की सहायता से कर रहे हैं। एक ड्रोन हमारे पास है जिसमें आज हमने ड्रोन की सहायता से चालान करने शुरू किए हैं और सोमवार को एक ड्रोन और भी मंगाया जाएगा, जिससे कि पूरे खिड़की टोल से सिरहोल बॉर्डर तक हम ड्रोन की सहायता से हाईवे पर नजर रखेंगे कि कौन रॉन्ग लेन में चल रहा है और उसके उसी हिसाब से चालान किए जाएंगे। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी लेन ड्राइविंग में प्रॉपर चलें और खासतौर पे ऑटोस, कमर्शियल व्हीकल ये अपनी प्रॉपर लेन में चलें ताकि उनका चालान ना। धन्यवाद। गौरतलब है कि गुरुग्राम पुलिस ने सभी वाहन चालकों व शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के नियुक्त चालकों को निर्देश दें कि यातायात नियमों का पालन करें, खास तौर पर लेन ड्राइविंग का उल्लंघन ना करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।